है कि मेरा चुनाव लड़ना और जीतना मेरे हिसाब से इतना दिखाता है कि आइडियोलॉजिकली मैं बहुत प्योर रहूं और पॉलिटिकली स्टक रहूं, ये नहीं करना है। अब जब मैं कहता हूं कि आइडियोलॉजिकली प्योर रहूं और पॉलिटिकली स्टक, उसका मतलब ये नहीं कि कॉम्प्रोमाइज करते रहे, लेकिन आपको नेविगेट करके दिखाना है। जिसको ब्रॉडली एक्टिव स्प्रेटरिटी कहते हैं, जो जंतर मंतर पे खड़ी रहती है, ये बेंगलोर के फ्रीडम स्क्वायर पे खड़ी रहती है, अहमदाबाद के लाल दरवाजे, सरदार गार्डन पे खड़ी रहती है, ऐसे 250 लोग जिनको बदलना नहीं, जो लेफ्ट लिबरल है, प्रोग्रेसिव है, सेक्युलर है, एनजीओ ट्रेड यूनियन से जुड़े, नए लोग नहीं आ रहे। अब नए लोग नहीं आ रहे, नया यूथ नहीं जुड़ रहा है। ये जो कंप्लेन थी हमारी लगातार, गुजरात की सिविल सोसाइटी जिसका मैं हिस्सा रहा हूँ 10 साल में, मेरी भी कंप्लेन थी, आई एम ऑल्सो 37 यार, हम 25-26 में जो कूद पड़ रहे थे, क्यों लोग नहीं मिल रहे। लेकिन अब दलित आंदोलन या अल्पेश ठाकुर की ठाकुर सेना या पटेल आंदोलन के चलते जो सैकड़ों के सैकड़ों यूथ आए, इन सैकड़ों के सैकड़ों हजार यूथ के साथ ये प्रोग्रेसिव लोट का कोई डायलॉग ही नहीं है। अरे नहीं नहीं यार, तो हार्दिक कम्स फ्रॉम राइटिस बैकग्राउंड, या तो उसकी पूरी कैडर की कैडर राइटिस हो गई क्या? तो ये भी एक बहुत बड़ा, तो इसके बीच में से कुछ नेविगेट करके हम लोगों को दिखाना है। डायलॉग और बी एस क्यों नहीं होता वो यार, इस पर इस गुजरात इज कंसर्न, गुजरात में एक प्रोग्रेसिव थिंकिंग ऐसा स्ट्रीम नहीं है। वहां पर कभी टीसीए जेएनयू जैसे ज्यादा कैंपस नहीं रहे। वो ओपिनियन मेकिंग सिटी अहमदाबाद में होना बहुत जरूरी था। कुल मिलाकर आपको क्या मिलेगा? गुजरात विद्यापीठ। अब गुजरात विद्यापीठ की से लेकर मेरी कंप्लेन ये है कि वहां के लोग अच्छे गांधी बने, तभी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। फॉरगेट अबाउट डेवलपिंग सम रेडिकल परस्पेक्टिव। तो वो एक यूनिक केस है गुजरात का। वहां पर जो रेगुलर बेसिस पर स्टडी सर्कल्स वगैरह होने चाहिए वो नहीं है, और वो एक प्रोग्रेसिव कंटेंट वाला माहौल नहीं है वहां पर। तो वो ना होने के चलते जो वहां से एक्टिविस्ट वगैरह भी निकले गए, वो कुछ हद तक ऐसे ही निकले गए। तो और मुझे तो, मैं तो मानता हूं कि हार्दिक के साथ मेरे वैचारिक मतभेद है, उसको भी मेरे साथ हो सकते हैं, लेकिन यदि हम फांसीवाद का मुकाबला कर रहे हैं तो मैं आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज करके भी बीजेपी को हराना चाहता हूं। मैं आइडियोलॉजिकली प्योर रहूं और बीजेपी जीतता रहे तो ये तो नॉनसेंस है। लेनिन ने कभी बहुत बढ़िया कहा था, यू गिव अस द रोप विथ विच वी शैल हैंग यू।